श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। कहते हैं गरीबी लाचारी हुनर को कभी नहीं दबा सकती। मध्य प्रदेश के सागर के एक नौजवान ने सोनी टीवी के इंडियाज द बेस्ट डांसर में 14,000 प्रतिभागियों में अंतिम 12 में उसका चयन होना यह बताता है कि उसकी अदा लड़कियों जैसी जरूर है। सागर के जिस मोहाल में वो रहते हैं वहाँ के लड़के उनका मजाक बनाते थे, परिजन भी डांटते थे। मेरा लड़का लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करता है तो हमने इसको डांटा, यार ये डांस न करो, ये डांस में मोहल्ले वाले कहते हैं, हर कोई नाम बदनाम कर रहा है तुम्हारा। वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो भांड है। उसके पापा को कईयों बार हमने समझाया, पूरे मोहल्ले वालों ने समझाया कि समाज में ये सब नहीं चलता है, और जब भी मौका मिलता है पूरे मोहल्ले वाले उसके घर पे जाते हैं समझाने के लिए। सभी लोग कहते हैं मतलब उसकी मर्दानगी पे कोई सवाल भी उठाता है कि ये लड़का है कि लड़की है। शर्म भी आती है मुझे कि मैं उसका पड़ोसी हूँ, बेकार सा लगता है वो। लेकिन उन्होंने अपने हुनर को नहीं छोड़ा और समाज की गली और उनका मजाक ही उनका जुनून बना। आज एक नौजवान उस मुकाम तक डांस के क्षेत्र में पहुंचा है जहां से सागर का कोई शख्स नौजवान इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया है। उन्होंने गर्ल्स स्टाइल अरब के मशहूर डांस बेली को अपना डांस बनाया और सोनी टीवी के प्रोग्राम में जब अपनी कमर हिलाई तो मल्लिका गीता जी ने कहा कि इस लड़के की अदा हमें मजबूर कर गई। यह बेली डांस का इस देश का बेहतरीन डांसर है। आओ स्टैंडिंग मेरे पास। सागर के एक छोटे से मोहाल में रहने वाला रोहित, जिसके पिता मजदूरी करते हैं, जिसके पास न कपड़े हैं, न पैसे हैं, न पढ़ने की किताबें हैं, न डांस करने के लिए कोई संस्थान है, लेकिन ओशियन बीट जुम्मा डांस अकादमी के लकी सराफ ने इसे सहारा दिया, पहले डांस सिखाया और पहुंचा दिया मुंबई के सोनी टीवी के प्रोग्राम में। सब हाँ आए हैं आज। अच्छा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया बट उनने सपोर्ट किया। लकी भैया कहाँ पर हो? मैम एक्चुअली कुछ साल पहले, नियर अबाउट 12 इयर्स अगो, एक कॉलेज में मुलाकात हुई मेरी, रोहित से परफॉर्मेंस कर रहे थे तो मुझे लगा कि ही इज द मैन। सो स्वीट। हु कैन बी बेटर देन अ वुमन। बट ये बहुत सपोर्ट करते हैं और कोरियोग्राफी बताते हैं कि किस सॉन्ग पे क्या करना है, कहाँ क्या करना है। अब वो उस बुलंदी को छूने का ख्वाब रखते हैं जहाँ तक उनका जुनून उन्हें इजाजत देता है। देखिए रोहित कुमार से खास बातचीत सागर एक्सप्रेस न्यूज की। मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। कौन किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आ रहा। जाहिर सी बात है वो गरीब तबके का था, हुनर जबरदस्त था और विवश था कि कोई मंच मिले, और जब मंच मिला तो विवश हो गया हिंदुस्तान तालियां बजाने के लिए। हम बात करेंगे बुंदेलखंड के उस नौजवान की जिसकी ये हुनर से आज न सिर्फ हिंदुस्तान का वो डांसर फिदा है बल्कि हिंदुस्तान का गौरव भी आज गर्व से सिर उठा के कह रहा है कि शाबाश रोहित कुमार। तो हम उनसे मुखातिब होते हैं रोहित कुमार से कि रोहित कुमार
जो सोनी टीवी के इंडिया बेस्ट डांसर में 12 पोजीशन 12 लोगों में चयनित हुए हैं, कैसे ये मुकाम हासिल किया और कितनी मेहनत की, सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट किस व्यक्ति ने किया इस मुकाम तक पहुंचने की? जी मेहनत तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत करता हूँ, और हाँ जब मैं 10 साल का था तब से ही बहुत प्रैक्टिस कर रहा, बहुत बेसिकली बॉलीवुड डांस करता था। बैली को मुझे अभी 4 साल हो गए हैं, मैंने बैली अभी 4 साल पहले स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैं बॉलीवुड करता था और टीवी पे सॉन्ग वगैरह आते थे तो मैं देख के ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, डांस करता, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। तो क्या हुआ कि फिर मुझे लगने लगा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैं कर सकता हूँ अच्छा। फिर मैंने छोटे छोटे ऐसे ही बस्ती में डांस होते थे तो मैंने किया, लेकिन वहाँ डांस करने के बाद जो कमेंट सुने वो शायद ही मैंने कभी ज़िंदगी में सुने हो, ऐसे ऐसे वर्ड सुनने मिले, बहुत गंदे गंदे कमेंट दिए बस्ती वालों ने, पापा लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज़ को। तो मैंने इन सबको इग्नोर किया और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखा, क्योंकि डीमोटिवेट तो सब कर ही चुके थे, सबने बहुत गलत गलत कमेंट किए, बट मैंने सबको इग्नोर किया, बहुत प्रैक्टिस की, मेहनत की। फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ उसी टाइम, फिर कुछ साल बाद मेहनत करते करते फिर हाँ शायद यही समझो कि भगवान ने सुन ली मेरी, तो फिर मुझे लगे भैया मिले, तो उनका वो जैसे ही मिली तो मेरी लाइफ ही बदल गई। उनने फिर मेरा इतना सपोर्ट किया, मतलब हर एक स्टेज पे ले गए, उनने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया, उनने यहाँ तक कि ना मतलब मेरे पापा सपोर्ट करते नहीं थे तो पैसे भी नहीं देते थे किसी चीज़ के लिए। तो जब मैं डांस शो में जाता था तो मुझे फ़ीस भरनी पड़ती थी, तो पापा तो पैसे नहीं देते, लेकिन लकी भैया हर एक शो की फ़ीस भरते थे, कॉस्ट्यूम सब कुछ करते थे, तो उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ था। और फिर उनकी क्लास में मैंने प्रैक्टिस की और 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने बैली सीखा, और बैली को मैंने प्रोफेशनली 3 साल दिए हैं, और 3 साल के बाद मैं बैली इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, और आगे में मैं प्रैक्टिस करूँगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आपको, जो जज थे वहाँ के उन्होंने किन शब्दों से आपको जो है कहा कि बहुत बेस्ट करते हो रोहित कुमार, क्या बोले? मुझे सबसे अच्छी कमेंट लगे गीता मैम के, क्योंकि उनने इस तरीके से बोला, मुझे पहले मतलब उनका पहला जो वर्ड था मुझे लगा कि ये कुछ अलग बोलेंगी, बट उनने बोला कि मुझे नफ़रत है कि आपकी कमर लड़कियों से ज़्यादा पतली है, मुझे नफ़रत है कि आप लड़कियों से ज़्यादा अच्छा करते हो, मुझे नफ़रत है कि आपकी लचक लड़कियों से ज़्यादा अच्छी है, और ये सब कमेंट है ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये कमेंट सुनने के लिए मैं कब से प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब जो क्या मुकाम हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अंतिम दौर चल रहा है, और अगर आपका जो है चंद्रमा ऊपर होगा लक चला तो फिर रोहित कुमार जो है भारत देश में छा जाएंगे। जी बिल्कुल, अब मेरा तो सपना यही है कि मुझे बहुत बड़ा डांसर बनना है और बहुत बड़ा कोरियोग्राफर भी, जैसा कि मेरे लकी भैया समझाते हैं मुझे बताते हैं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ मुझे डांसर के साथ साथ है ना एक बहुत अच्छा कोरियोग्राफर भी बनना है, और मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छा कोरियोग्राफर बनना है कि मूवीज़ में काम मिले मुझे, कि कहीं भी जब मूवीज आए तो उसमें मेरा नाम आए कि रोहित कुमार कोरियोग्राफर, तो मुझे इतना बड़ा कोरियोग्राफर बनना है, और डांसर तो हुई मैं। ये एक बिग बात आती है कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आपको बहुत डोमिनेट किया, आपके ऊपर कमेंट्स ये मत करो, ये सब सारी चीज़ें छोड़ दो, फिर भी आप नहीं माने, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो जिनको टिप्पणी मिलती है, जिनको कमेंट्स मिलते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप कि पीछे हटो या फिर आगे बढ़ो? सबसे पहला कमेंट तो कि उन लोग ने मतलब मेरे साथ जो किया वो शायद उस सोसाइटी में और भी कोई हो सकता है मेरे जैसा डांसर, और वहीं और भी हैं, यहाँ बहुत टैलेंट है और मेरे जैसे जितने भी लड़के हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उनको प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, क्योंकि मेरे जैसे जो भी लड़के हैं जो गर्ल्स फॉर्म करते हैं या बैली में इंटरेस्ट रखते हैं और भी डांस फॉर्म है उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनकी फैमिली और सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता अच्छे से करने, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग हैं ना उनको बहुत सपोर्ट करें, और ऐसा ऐसे कमेंट ना करें कि वो डीमोटिवेट हो, उसको सिर्फ सपोर्ट करें, वो आगे बढ़े बस। तो ये रोहित कुमार थे, और जाहिर तौर पर मैं फिर कहता हूँ
कि एक बेहतरीन व्यक्ति के पीछे या तो उसका पिता होता है या फिर उसका गुरु यानी गुरूर यानी गुरु होता है। तो जाहिर तौर पर उनके गुरु लकी सराफ हमारे साथ हैं। और मुझे याद आती है गोपाल दास नीरज की वो लाइन कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। शायद यही ऊर्जा इन लकी ने अपने शिष्य में भरी कि सपने लाख टूट जाएं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उस पिता के साये के तौर पर खड़ा हूँ। हर वक्त तुम्हें सहयोग दूंगा, हर वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। इसके पास किराए के पैसे नहीं थे मुंबई जाने के लिए, लेकिन उनके उस्ताद ने कहा कि मुंबई दिल्ली जहाँ जलवा बिखेरना हो बिखेरो, क्योंकि तुम्हारे पास हुनर है और हुनर को निश्चित तौर पर सलाम मिलेगा क्योंकि गुरु का आशीर्वाद था। तो लकी सराफ हमारे साथ हैं। ये बच्चा गरीबी में पला, हुनर जबरदस्त है। कैसे आपने इस टैलेंट को देखा और आज इस टैलेंट को आपने कहाँ पहुँचा दिया, क्या महसूस करते हैं लकी? समस्त बुंदेलखंड को पहले तो जय हिंद, आपका धन्यवाद सर। सर इसको भी मैं बताता हूँ और शहर वालों से भी मैं यही चर्चा करता हूँ कि मेरे मिलने से पहले ये क्या था क्या नहीं था वो चीज़ शायद परमात्मा ने जब कनेक्शन नहीं जोड़े थे, लेकिन जब मिल गया है तो वो बिल्कुल गरीब नहीं है। मेरे पास जो है भाई वो तुम्हारा है। और कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम था 10 साल 12 साल पहले, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली लेकिन उस समय नहीं हो पाई कैश वो अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि मेरे लिए कोई था नहीं। लेकिन जब जैसे ही बात आती है रोहित को लेकर के, तो सर SSDC कॉलेज में हमारी पहली मुलाकात हुई जो PMKVY का कौशल योजना केंद्र है। वहाँ देखा तो टैलेंट समझ में अनडाउटेडली, और मेरी ओशियन बीट नाम से सिविल लाइन में क्लास चलती थी, अभी भी चलती हैं। तो मैंने इनको इन्वाइट किया कि रोहित ऐसे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा एक बार तुम आओ, थोड़ा सा अपन प्रोफेशनली करके देखें। तो सर सबसे पहले हम लोग जुम्बा ट्रेनिंग शुरुआत की क्योंकि मैं ऑथराइज जुम्बा ट्रेनर था, जुम्बा कराता था। फिर उन्होंने जुम्बा की क्लास लेना शुरू किया और अचानक से मैं देखता हूँ कि बॉलीवुड से इनका रुझान जाने लगा बैली और जैस की तरफ। तो ये स्पेशल क्रेडिट मैं इन्हीं को दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ स्टेप अरेंजर हो सकता हूँ। इनकी जो सोल डिमांड करती है वो इनकी खुद की एक चाह थी कि भैया मुझे ये डांस फॉर्म करना है और ये मैं जब करता हूँ तो मैं किसी और से बेस्ट करता हूँ, ये इनका मानना था। तो सर छुपते छुपाते वो प्रैक्टिस शुरू हुई। इस दौरान बहुत ऐसे कई दौर आए सर, हर एक छोटी सी सक्सेस के पीछे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हंसी मजाक है ना, बिहेवियर को लेके हास परिहास करना, टोंट करना, एक शो से लौटना भी हुआ। एक समाज सेवी जी का प्रोग्राम था, बड़ा लेवल का प्रोग्राम था और नेशनल ब्रांड की कुछ फैशन शो चल रहा था, तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने, उनके जो PA साहब थे उस समय, उन्होंने बोला कि यार हमारा सामाजिक प्रोग्राम है और हम ये डांस नहीं करवा सकते क्योंकि रोहित गर्लिश फॉर्म करता है, आप बैली लेके आए हो। तो वहाँ पे थोड़े से हम लोग दुखी होके लौटे थे, कोई कोलाहल नहीं मचाया था क्योंकि अब शायद मेहनत पे पूरा बुंदेलखंड गौरवान्वित है। ये जीत सागर की है, आपकी है, सभी के समर्थन की है और आपने चूंकि गुरु बोला है तो यहाँ मुझे भी गुरु का जरूरी है मोबिलाइज करना। तो उन सभी का सर मैं थैंक्स ज़रूर आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, डॉक्टर नीति तिवारी, डॉक्टर देवेंद्र तिवारी, जिन्होंने अपना ओशोधारा का जो एक फ्लैट है वो हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए एज अ क्लास दिया। तो रोहित ने वहाँ प्रैक्टिस की है जहाँ मेडिटेशन होता था 10 साल से। तो ओशो जैसे ही लाइफ में उसके बाद अचानक से जो चेंजेस हुए हैं तो मैं अपने सदगुरु को नमन करता हूँ। गुलाब बाबा मंदिर में सर बहुत सपोर्ट हम लोग को मिलता है दादाजी से, श्याम भैया से, आकाश मामा, आकाश सराफ जो हमारे गरबा में हमारी बैकबोन है और अभी भी, मतलब बीना तक सर आप यकीन मानिए ट्रेन निकल गई थी, पंजाब मिल वहाँ से छूटने वाली थी तो ये अपनी कार से हम लोगों को ऐसे जस्तस लेके गए और हम लोगों को वो कराई। तो हर एक व्यक्ति का सर योगदान है। अमित भैया हैं, अमित आठिया जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी मुंबई की। आशीष लाला हैं, जब पहले ऑडिशन के लिए इनको भेजा था तो मैं मेरे फादर कितने, कितने तकरीबन ऑडिशन जब हुआ हाँ सोनी का जो प्रोग्राम जी, कितने युवा थे, कितने उनके बीच में से ये निकला? सर प्रोडक्शन वालों ने हम लोगों को ये बताया है कि 14,500 से 15,000 के बीच टोटल नंबर ऑफ ऑडिशन काउंट थे उनके पास, जिसमें से पहले जब कट ऑफ हुआ तो 200 आए, फिर 60 आए, 60 के बाद सर जो एक कलिंग राउंड हुआ था तो कलिंग में 42 बचे, फिर 42 कलिंग पार नहीं कर पाए, 30 लिए सर, फिर 30 के बाद सर 12 का था तो 30 तक तो हमारा सफ़र हुआ है और 12 के बाद जो भी हो रिजल्ट सर
अभी उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। उम्मीद क्या है आपको रोहित से लेकर? सर पहला स्टेप पार हो चुका है तो उम्मीद तो हम लोग की पहली बार में जाना कुछ वहाँ का आता जाता नहीं था, तो मैं किसी नेगेटिव कमेंट का शिकार नहीं होना चाहता। अभी तो जो मिला है उसके लिए धन्यवाद भाव से भरा हूँ। सबसे बड़ी चीज ये जो बैली है वो लेडीज डांस है जी, निश्चित तौर पर जो है फॉरेन कंट्री का कल्चर ही है जी सर। इन तमाम चीज़ों की जब भी समाज में बात आती है, बैली एक विवादित और नेगेटिव डांस है, मध्य प्रदेश ले लो या इंडिया में, लेकिन रोहित को ये सब जब सीखा रोहित, तो आपने कैसे पुश किया उसको? उसका सर तरीका सिर्फ एक ही रहता है, या तो आप छोटे मंच पे कटपिट के दूर हो जाएं, या फिर गुप्त रूप से बंकर में तैयारी करें और फिर जाके फतेह कर लें पूरा किला। बंकर में तैयार हुआ है तो कुल मिला के ये हमारे साथ लकी थे जो उनके गुरु हैं, तो फिर हम कहेंगे गुरु के गुरूर में एक शिष्य पला है, बंकर में उसने प्रैक्टिस की है और अब ये निखर कर आया है कि कहाँ मल्लिका, कहाँ गीता, कहाँ शाबाश रोहित कुमार, बुंदेलखंड का गौरव रोहित कुमार अब उन 12 लोगों में है जो सोनी का इंडिया बेस्ट डांसर का जो कॉन्टेस्ट है उसमें 12 लोगों में है। तो उम्मीद है बुंदेलखंड के लोगों को कि अपने बुंदेलखंड के चेहरे को वो नंबर वन पर देखना चाहेंगे, और सागर के लोगों से भी यही गुजारिश है कि रोहित कुमार को वो आशीर्वाद दें कि डॉक्टर गौर की जय नगरी से ये आशीर्वाद उठे कि मल्लिका भी विवश हो जाए और गीता भी विवश हो जाए और हिंदुस्तान इस बच्चे को ताली बजाने के लिए विवश हो जाए। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, त्री रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361116। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475999376777।